पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने 1960 से 1970 के दशक में इकोनॉमी में इतना आगे था कि उस टाइम के बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर जायंट सोचते थे। उसकी इकोनॉमी स्ट्रेटेजी को साउथ कोरिया ने कॉपी किया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। पर अब साल 2019 में पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल पूरी दुनिया को पता है। एशिया का जायंट तो छोड़िए, साल 2019 में वो 1971 में बने बांग्लादेश से पीछे हो गया है। आज पाकिस्तान लगातार कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन, टेररिज्म और अब डेब्ट यानी कर्ज को झेल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, हम बात करेंगे साथ साथ उसकी जीडीपी के बारे में, उसके ग्रोथ रेट के बारे में, उसके ट्रेड के बारे में, उसके डेब्ट के बारे में, सीपैक के बारे में और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, लगभग 207 मिलियन लोग रहते हैं और एरिया के हिसाब से 33वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 23वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जो कि इस समय 1.141 ट्रिलियन डॉलर्स है दिसंबर 2018 के हिसाब से, और 38वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। 2018 में ये 277 बिलियन डॉलर्स थी। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2018 में पाकिस्तान के सिर्फ 1641 डॉलर है, जिसकी रैंक 147वीं है दुनिया में। जीडीपी ग्रोथ रेट 2016 में 4.5% पे थी, 2017 में 5.3% पे थी और 2018 में 5.2% पे थी। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया कि 2019 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ेगी और ये 5.4 से 5.8% के बीच में रहेगी। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 18.86 है, इंडस्ट्री 20.91% है और सर्विस सेक्टर 60.23% है 2018 के हिसाब से। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान की जनवरी 2019 में 7.2% है, जो कि बहुत ज्यादा है। IMF की माने तो किसी भी देश को अगर ग्रो करना है तो इन्फ्लेशन रेट 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में जनवरी 2019 में सिर्फ 2.05% है और चाइना की 2.1% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंक 136वीं है दिसंबर 2018 के हिसाब से, और 18 जनवरी 2019 के हिसाब से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 13.257 बिलियन डॉलर्स है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि पाकिस्तान की पॉवर्टी 2002 के मुकाबले 2014 में बहुत कम हुई है। 2002 में पाकिस्तान में 64.3% पीपल गरीब थे और 2014 में ये घट के 29.5% पे आ गई, पर 2018 में अब ये 40% तक हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 में 6% पे था। लिटरेसी रेट पाकिस्तान की सिर्फ 60% है 2018 के हिसाब से। 2017 में टूरिज्म में पाकिस्तान की रेवेन्यू सिर्फ 317 मिलियन डॉलर्स थी। ये रेवेन्यू इसलिए कम है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनसेफ देश है टूरिस्ट लोगों के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2017 में एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकाला था, जिसमें पाकिस्तान की रैंक टूरिज्म में 124वीं है 136 देशों में और 2015 में ये 125वीं थी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो 2018 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 559 कंपनीज लिस्टेड थी और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 84 बिलियन डॉलर्स था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है 2009 से 2015 के हिसाब से। इसने हर साल 26% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2016 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 40% स्ट्रेटेजिक शेयर अपना चाइनीज कंसोर्टियम को बेच दिया था 85 मिलियन डॉलर्स में। 2018 में पाकिस्तान ने सिर्फ 24.824 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। इसके मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स है यूएस, यूके, चाइना, अफगानिस्तान, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, और इम्पोर्ट पाकिस्तान ने 2018 में 56 बिलियन डॉलर्स का किया है, और ज्यादातर इसके मेन इम्पोर्ट पार्टनर्स है चाइना, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएस और जापान। तो मतलब पाकिस्तान ने इम्पोर्ट ज्यादा किया है एक्सपोर्ट के मुकाबले। अब बात करते हैं डेब्ट की। तो कर्ज लेना कोई बुरा नहीं है, पर ज्यादा कर्ज लेना बहुत बुरा होता है, और तब और कर्ज लेना जब आपकी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट में हो। करंट अकाउंट का डेफिसिट में होने का मतलब है कि देश में फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है इम्पोर्ट के मुकाबले, जिससे आपके फॉरेन रिजर्व दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, आपकी करेंसी लो होती जा रही है, जिससे आपको कर्ज के अमाउंट से ज्यादा पैसा देना होता है। IMF की रिपोर्ट की माने तो जून 2019 तक पाकिस्तान का टोटल डेब्ट
103 बिलियन डॉलर हो जाएगा और इसे ये कर्ज डॉलर के रेट में देना होगा जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सीपेक का प्रोजेक्ट अप्रैल 20, 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 51 एग्रीमेंट में साइन करके स्टार्ट किया। इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बनी जो कि 46 बिलियन डॉलर्स की थी। ये डील पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवे के लिए की गई थी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। पर सीपेक से सबसे बड़ा फायदा चाइना को है, वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान से कर सकेगा अफ्रीका और वेस्ट एशिया में। सीपेक को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी डील बताया पाकिस्तान के लोगों के लिए। हो भी क्यों ना, इस डील को 46 बिलियन डॉलर की डील बोल रहे थे 2015 में, पर 2017 के आते आते ये डील 62 बिलियन डॉलर्स की हो गई, लगभग पाकिस्तान की 35% जीडीपी। चाइना ने सीपेक के लिए पाकिस्तान को 62 बिलियन डॉलर्स का कर्ज देने का वादा किया जिसमें से 35 बिलियन डॉलर वो पावर सेक्टर में दिया है। ये एक्चुअल में डील नहीं है, ये चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है और इस कर्ज को पाकिस्तान को चुकाना भी है 20 सालों में। जब ये डील 26 बिलियन डॉलर की थी तब पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर चुकाना था, पर अब ये डील 62 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो आईएमएफ ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान को 2023-24 से हर साल चाइना को 3.5 बिलियन डॉलर पर एनम देना होगा और अब पाकिस्तान को 20 साल में 90 बिलियन डॉलर तक चुकाना होगा, जो कि पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट ने कहा कि हम आराम से चुका देंगे। सीपेक एक डील नहीं, एक डेब्ट ट्रैप है जिसे इमरान खान की सरकार ने समझ लिया और पुरानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं समझा। इसीलिए इमरान खान ने आईएमएफ से और कर्ज मांगा कि वो चाइना का कर्ज कम कर सके। एक्चुअल में चाइना बहुत बदनाम है डेब्ट रिटर्न में। 2018 का एग्जांपल है श्रीलंका का। चाइना ने श्रीलंका को कर्ज दिया था पाकिस्तान की तरह, जब श्रीलंका की गवर्नमेंट कर्ज नहीं लौटा पाई तो उसने श्रीलंका के पोर्ट को ले लिया 99 सालों के लिए, जिसको अब चाइना यूज करेगा अपने लिए और श्रीलंका को टैक्स देना होगा अगर वो उस पोर्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो। वैसे इस डील के लिए इंडिया ने मना भी किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट को, पर उन्होंने नहीं माना। चाइना ने अफ्रीका को डेब्ट दिया था, वो भी नहीं चुका पाया तो उसके नेशनल एसेट को टेक ओवर कर लिया और वहां के रिसोर्सेज को बॉयकट कर दिया। चाइना ने सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसी फॉलो की है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अंग्रेज भारत बिजनेस करने आए थे, उन्होंने रोड्स, रेलवे सब बनाया, पर किसके लिए? अब अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाया तो पावर सेक्टर चाइना का हो जाएगा और वो अपने हिसाब से बिजली का रेट डिसाइड करेगा। रोड्स, हाईवे और ग्वादर पोर्ट उसका हो जाएगा जिसमें वो आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा बिना किसी टैक्स के। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये बायलैटरल ट्रेड क्यों नहीं किया, चाइना से कर्ज क्यों लिया, जबकि वो आईएमएफ से इतना कर्ज पहले ही ले चुका था और अब पाकिस्तान आईएमएफ से और कर्ज मांग रहा है कि वो चाइना का कर्ज कम करने के लिए। इकोनॉमी की तो मार ही रखी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर साल अपना मिलिट्री बजट बढ़ाती है जबकि देश की इकोनॉमी इतनी खराब होने के बावजूद 2018-19 में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री बजट 20% तक इंक्रीज किया है और अब उसका टोटल मिलिट्री बजट 9.6 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें इंडिया से खतरा है, इसीलिए वो देश की सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया का मिलिट्री बजट 2018 में लगभग 64 बिलियन डॉलर्स था और वो उनकी सिर्फ 2.5% जीडीपी का हिस्सा है, पाकिस्तान से 6 टाइम्स ज्यादा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 1/4 मतलब 25% हिस्सा है सिर्फ इंडिया की मिलिट्री बजट। जब खाने कोई नहीं होगा पाकिस्तान के पास तो सिक्योरिटी किस चीज की? पाकिस्तान की इकोनॉमी का डाउन होना और आज क्राइसिस में होने का एक ही कारण है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट टेररिज्म को सपोर्ट करती है। कुछ भी सोचने और बोलने से पहले ये देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू देखिए, 2004 से 2018 तक हर साल बढ़ा है न कि कम हुआ है। टोटल टैक्स रेवेन्यू भी देख लीजिए, 2004 से 2014 तक वो भी बढ़ा है, मतलब लोगों ने टैक्स भी ज्यादा दिया है। अब ये देखिए, टोटल पब्लिक डेब्ट 2009 से 2018 तक भी बढ़ा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, जब लोगों ने ज्यादा टैक्स दिया है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ी है, उसके बावजूद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा डेब्ट क्यों लिया? हर देश की डेवलपमेंट तो टैक्स के कलेक्शन से होती है जो कि हर साल बढ़ रही है। एक बार मान भी लेते हैं कि जो पाकिस्तान ने कर्ज लिया वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चलो मिलिट्री बजट को इंक्रीज करने के लिए लिया, पर ऐसा दिख तो नहीं रहा है।
इन्फ्लेशन भी हाई है, एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ा, फॉरेन रिजर्व भी सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स का है, मिलिट्री बजट भी सिर्फ 9.6 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान का टोटल डेब्ट 103 बिलियन डॉलर हो गया है, और 103 बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता है। वो पैसा कहाँ गया? और अब डेब्ट भी बहुत हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट का डाटा है, ये डाटा 14 साल का है, मतलब पाकिस्तान की पास्ट 3 गवर्नमेंट का। और ऐसा ही बना रहा तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री भी बोला जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत काम करना है। अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को सुधारना है और कर्ज से बाहर आना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा और अपना फॉरेन रिलेशन को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन ठीक होता है तो पाकिस्तान का ट्रेड भी सुधर जाएगा। और इस टाइम सिर्फ एक ही देश है जो पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, वो देश आप जानते हैं कौन है? पुराना ही देश है, साथ में आजादी मिली थी 1947 में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने निकाली थी, और आप भी इस रिपोर्ट को देख के शॉक्ड हो जाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया पाकिस्तान आपस में सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं, जो कि अब वो भी बंद हो गई है। पर अगर दोनों देश चाहे तो 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं एक साल में। जी हाँ, 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड, अभी किए गए सऊदी अरेबिया के 20 बिलियन डॉलर की डील से भी ज्यादा। इंडिया बांग्लादेश से सिर्फ 6 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है, और अब इंडिया 14 बिलियन डॉलर तक ले जाएगा। यही एक मेजर फैक्टर है जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। इस ट्रेड से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया की ओवरऑल ट्रेड 700 बिलियन डॉलर की है, पर इससे पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर का आराम से प्रॉफिट होगा इस ट्रेड से, जिससे वो आराम से कर्ज भी चुका देगा बिना और कर्ज लिए, और बाकी का पैसा अपनी एजुकेशन और टूरिज्म में लगाएगा, जिससे कि रिटर्न आए, ना कि मिलिट्री पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, पर हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।